हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल। आज आपको DHCP सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले आप स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करें, सर्वर मैनेजर पर क्लिक करें, रोल्स पर क्लिक करते हैं, यहाँ ऐड रोल ऑप्शन हाईलाइट होगा। तब तक एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि DHCP सर्वर होता क्या है। DHCP सर्वर, जिसका फुल फॉर्म होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, DHCP सर्वर का यूज़ होता है नंबर ऑफ क्लाइंट्स अगर आपके पास ज़्यादा हैं तो उस केस में हम IP एड्रेस उनको ऑटोमेटिकली दे सकते हैं। तो DHCP सर्वर का काम होता है क्लाइंट्स को ऑटोमेटिकली IP एड्रेस असाइन करना। क्लाइंट नंबर ऑफ क्लाइंट अगर ज़्यादा होंगे तो आपको मैन्युअली हर एक कंप्यूटर, हर एक क्लाइंट पे IP एड्रेस असाइन करना बहुत टीडियस टास्क होगा। उस टास्क से बचने के लिए आप DHCP सर्वर अपने नेटवर्क में बना सकते हैं, जिससे कि वो एक सर्वर होगा और वो सारे क्लाइंट्स को IP एड्रेस असाइन करेगा। तो ये ऐड रोल आपके सामने विजार्ड खुल के आ गया है, यहाँ से ऐड रोल्स पे क्लिक करेंगे। ये फर्स्ट विजार्ड है जिस पे आपको वार्निंग देता है कि आपको हमेशा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का जो पासवर्ड है, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड हमेशा स्ट्रांग रखना चाहिए, नेटवर्क सेटिंग्स IP एड्रेस स्टैटिक रखनी चाहिए और सिक्योरिटी अपडेट होना चाहिए। तो इसको हम फर्स्ट डिफ़ॉल्ट पेज को हमेशा इसकी बार बार आता है, इसलिए हम इसको स्किप भी कर सकते हैं, नेक्स्ट कर दें। यहाँ से आप देख रहे हैं रोल के अंदर DHCP सर्वर शो कर रहे हैं, तो इस DHCP रोल को हम इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए चेकबॉक्स पे टिक करेंगे, देन नेक्स्ट क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट। यहाँ पर ये IP एड्रेस, ये इस सर्वर का IP एड्रेस है, DHCP सर्वर का, तो इसी IP एड्रेस की रेंज में ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देन नेक्स्ट करते हैं। जो पैरेंट डोमेन यानी कि ये DC प्रोमो इस पे चला हुआ है, यानी कि ये डोमेन कंट्रोलर है, ये DC भी बना हुआ है, और जो DC है वो पैरेंट डोमेन है, दैट मीन्स कि ये PDC है, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है। इसी को मैं DHCP सर्वर बना रहा हूँ। तो जो PDC का डोमेन नेम है वो है ideasforvictory.com। ये IP एड्रेस आप एक बार चेक करके वैलिडेट कर सकते हैं, यहाँ पर वैलिडेट करना है, क्लिक करेंगे वैलिडेट रेडियो बटन पे, देन वैलिड ऑप्शन ग्रीन कलर में हाईलाइट हो गया, दैट मीन्स कि DNS वर्क कर रहा है। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर विन्स की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट विन्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन ऑन दिस सर्वर। जो डिफ़ॉल्ट है उसी पे टिक करते हैं। अगर विन्स आपको बनाना है तो विन्स के लिए भी IP एड्रेस असाइन करना है तो ये आप चूज़ कर सकते हैं, जिससे कि क्लाइंट को ये विन्स का भी IP एड्रेस असाइन करेगा DHCP सर्वर। तो यहाँ हमारे पास कोई विन सर्वर नहीं है, इसलिए इसको हम स्किप करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से ऑप्शन दे रहा है स्कोप बनाने का, आप यहाँ से भी स्कोप बना सकते हो। इसके अलावा आप DHCP के कंसोल को डायरेक्ट एक्सेस करके एडमिनिस्ट्रेटिव टूल से वहाँ से भी स्कोप बना सकते हो। तो हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ से भी देख लेते हैं। ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ स्कोप नेम आ रहा है, स्टार्ट IP, एंड IP आ रहा है, सबनेट मास्क आ रहा है, डिफ़ॉल्ट गेटवे आ रहा है, और ये सबनेट टाइप। अगर आप वायर्ड यूज़ करते हो तो 6 डेज का लीज पीरियड है, और वायरलेस यूज़ करते हो तो ये 8 आवर्स का लीज ड्यूरेशन है। लीज ड्यूरेशन का मतलब है जितनी देर के लिए, जितने टाइम पीरियड के लिए IP एड्रेस ये DHCP सर्वर क्लाइंट को असाइन करेगा। अभी मैं इसको यहाँ से छोड़ देता हूँ, स्किप कर देता हूँ, नेक्स्ट करते हैं। DHCP वर्जन 6 जो है इसको डिसेबल कर देते हैं, IP वर्जन 6 पे इंस्टॉलेशन हो रहा है इसलिए हम इसको डिसेबल कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अभी क्या है कि यहाँ यूज़र क्रेडेंशियल दे रहा है कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज स्टोर्स अ लिस्ट ऑफ DHCP सर्वर दैट आर ऑथराइज टू सर्विस क्लाइंट ऑन द नेटवर्क। ऑथराइजिंग DHCP सर्वर हेल्प्स एंड अवॉइड एक्सीडेंटल डैमेज कॉज बाय द रनिंग DHCP सर्वर्स विच इनकरेक्ट कॉन्फिग्रेशन ऑफ DHCP सर्वर विद करेक्ट कॉन्फिग्रेशन ऑन द रॉन्ग नेटवर्क। इट मीन्स कि ये यहाँ पे नंबर ऑफ DHCP सर्वर एक डोमेन में एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो यहाँ पर जितने भी DHCP सर्वर होंगे उनका
का जो यूजर नेम और पासवर्ड होगा वो यहाँ से आप अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन करके अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड दे के कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ से आप देख सकते हो कि ये मैं खुद डोमेन कंट्रोलर इसी पे है और इसी पे DHCP सर्वर है, इसलिए आप ये क्रेडेंशियल इसका खुद का चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपका DHCP सर्वर डिफरेंट कंप्यूटर्स पे, तो आप यहाँ पे क्रेडेंशियल वो उस सिस्टम का देंगे, यानी यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे जिस पे आप DHCP सर्वर बना रहे हो। इस केस में DHCP सर्वर और डोमेन कंट्रोलर दोनों एक ही कंप्यूटर पे, इसलिए आप फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर आप ऑथराइजेशन बाद में करना चाहते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, देन नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। इस तरीके से ये DHCP सर्वर जो सर्विस है वो इंस्टॉल हो जाएगी। देन आगे की कॉन्फ़िगरेशन हम स्टार्ट मेनू एडमिनिस्ट्रेटिव टूल से कर सकते हैं। वेट करते हैं, यस इंस्टॉल हो चुका है। ओके, इंस्टॉलेशन सक्सीडेड, दैट मीन्स कि ये इंस्टॉलेशन इसका हो चुका है। ये वन वार्निंग मैसेज ये शो कर रहा है कि आपने विंडो को अपडेट नहीं किया है। क्लोज करते हैं, ये विंडो क्लोज करते हैं। अब DHCP सर्वर के कंसोल को एक्सेस करने के लिए स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करें, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे जाएं, DHCP सर्वर पे क्लिक करें। ये DHCP सर्वर का कंसोल है, यहाँ से आप DHCP सर्वर के कंसोल को एक्सेस करने के लिए, ये कंप्यूटर नेम है server.ideasforvictory.com, सर्वर होस्ट का नेम है ideasforvictory.com, डोमेन नेम है, तो ये FQDN नेम हो गया server.ideasforvictory.com। FQDN नेम के अंडर में आप देख सकते हैं कि यहाँ IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 की सेटिंग्स हैं, तो हम IP वर्जन 4 पे टिक करेंगे रेडियो बटन्स पे और राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है न्यू स्कोप। स्कोप क्या होता है, एक रेंज होता है IP एड्रेस का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आ स्कोप इज़ अ रेंज ऑफ IP एड्रेसेस असाइंड टू कंप्यूटर्स रिक्वेस्टिंग अ डायनेमिक IP एड्रेस, यू मस्ट क्रिएट अ कॉन्फिगर अ स्कोप बिफोर डायनेमिक IP एड्रेस कैन बी असाइंड। यानी कि अगर आपको क्लाइंट को IP एड्रेस असाइन करना है डायनेमिकली ऑटोमेटिकली, तो उसके लिए आपको स्कोप बनाना पड़ेगा। और स्कोप में एक्चुअली होता क्या है कि आप IP एड्रेस की रेंज देते हो कि कहाँ से IP एड्रेस आपको कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट करना है क्लाइंट को। अगर राइट क्लिक करते हैं इस पर, न्यू स्कोप ऑप्शन आ रहा है, ये वेलकम विजार्ड आया, इसको नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर आपको स्कोप नेम देना पड़ेगा, मैं यहाँ पर स्कोप नेम देता हूँ न्यू स्कोप। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डाल सकते हैं, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, देन नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर IP एड्रेस जो होगा, यहाँ पर आपका जो सबनेट का IP एड्रेस है, आप जिस नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं वहाँ से ही यूज़ करेंगे, और यहाँ पर जो IP एड्रेस डालेंगे वो आप फर्स्ट IP एड्रेस अपने कंप्यूटर से स्टार्ट करेंगे। ये स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और लास्ट IP, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 100 कंप्यूटर्स को IP एड्रेस असाइन करना चाहता हूँ, तो वो 100 कंप्यूटर्स अगर हमारे नेटवर्क में टोटल हैं तो ये वो रेंज होगी, लास्ट IP 100 होगा, देन नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेंथ, ये सबनेट मास्क की लेंथ है, यानी नंबर ऑफ नेटवर्क बिट कितने यूज़ हो रहे हैं और ये सबनेट मास्क कितना है। यहाँ पे अगर आप सबनेटिंग यूज़ कर रहे हो तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पे अगर आप कुछ भी डालते हो तो अगर यहाँ पे चेंजेस नहीं करते हो तो वो चेंजेस अप्लाई नहीं होंगे, तो ये आपको लेंथ यहाँ से चेंज करना पड़ेगा जो भी आपका नेटवर्क होगा या सब नेटवर्क होगा। फिलहाल मैं अभी डिफ़ॉल्ट सी क्लास का IP एड्रेस का नेटवर्क ले रहा हूँ, इसी को लेके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ये एक और रेंज मांग रहा है, एड एक्सक्लूजन रेंज, यानी ये यहाँ पर जो रेंज है एड एक्सक्लूजन रेंज, ये वो रेंज होती है जो हमें IP एड्रेस हमें क्लाइंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने होते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि हमारे नेटवर्क में ऐसे कई सारे कंप्यूटर्स या होस्ट हों जिनमें स्टैटिक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किया गया हो, तो जैसे मेरा ही कंप्यूटर है जिस पे DHCP सर्वर बना रखा है, इस DHCP सर्वर का IP एड्रेस 192.168.0.1 है, यानी आप देख सकते हैं यहाँ से नेटवर्क की प्रॉपर्टी पे जाके,
मैनेज नेटवर्क, डबल क्लिक करके डिटेल्स पे यहाँ देख सकते हैं इसका आईपी एड्रेस है। अगर मैं जो स्टार्ट आईपी डाला था इससे पहले में, अगर यही वाला आईपी एड्रेस क्लाइंट को मिलेगा तो वहाँ पर कन्फ्लिक्शन आएगा। तो यहाँ पर आप हो सकता है 192.168.0.2 किसी आपने किसी और अदर प्रिंट सर्वर आपने बना रखा है तो उसमें डाल रखा हो, 0.3 आपने डीएनएस सर्वर बना रखा है उसमें डाल रखा है, 0.4 आपने फाइल सर्वर बना रखा है तो उसमें डाल रखा है। ऐसे करके अगर आप 4-5 आईपी एड्रेसेस या 10 आईपी एड्रेसेस स्टैटिकली यूज़ कर चुके हो आप, तो यहाँ पर वो रेंज आप डालोगे जो आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी है। इससे क्या होगा कि जो स्टैटिक आपने ऑलरेडी असाइन कर चुके हो अपने नेटवर्क में, उसको छोड़कर बाकी आगे जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पर मैं ये फर्स्ट आईपी डालता हूँ 192.168.0.1 और एंड आईपी, फॉर एग्जांपल मेरे नेटवर्क में, मेरे केस में 5 आईपी एड्रेस रिजर्व हो चुके हैं या 5 आईपी एड्रेस स्टैटिकली कॉन्फिगर्ड हो चुके हैं पहले से ही, जो हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने हैं वो यहाँ पर लिस्ट डालनी है। अब इसका मतलब ये है कि जो डीएचसीपी सर्वर है वो 192.168.0.5 तक के आईपी एड्रेसेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, वो जब डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो वो 6 से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यानी कि पहला आईपी अगर एड्रेस अगर ये बांटेगा डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो वो होगा 192.168.0.6, 5 तक नहीं बांटेगा। तो ये था ऐड एक्सक्लूजन। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं लीज ड्यूरेशन। लीज का मतलब होता है किराए पे, यानी कि ये जो डीएचसीपी सर्वर है ये अपने क्लाइंट को आईपी एड्रेस रेंट पे दे रहा है, तो कितने दिन के लिए देना चाहते हो, कितने टाइम पीरियड के लिए देना चाहते हो, वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो कि मैक्सिमम टाइम पीरियड, यहाँ पे मैक्सिमम टाइम पीरियड 999 डेज और 23 आवर्स एंड 59 मिनट्स, इतना मैक्सिमम हो सकता है। और मिनिमम आप देख सकते हैं, मिनिमम 0 आवर्स एंड 1 मिनट, ये मिनिमम है। इसको नेक्स्ट करते हैं, तो ये कह रहा यू मस्ट स्पेसिफाई अ लीस्ट पीरियड, 1 मिनट देते हैं तो 1 मिनट मिनिमम हो गया। फिलहाल 1 मिनट नहीं देते हैं हम, यहाँ पर 8 डेज रखते हैं। 8 डेज इसका एक्चुअली डिफ़ॉल्ट होता है वायर्ड के लिए, 8 डेज लीज ड्यूरेशन जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट 8 डेज होता है, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ। देन नेक्स्ट करते हैं, यहाँ से कह रहा है कॉन्फिगर डीएचसीपी ऑप्शन, ऑप्शन यस करते हैं। तो यहाँ पर आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो यहाँ पर और भी कई सारे ऑप्शन आएंगे, देखते हैं। यस, अगर नो कर दोगे तो यहीं से फिनिश हो जाएगा, आगे ऑप्शन आप बाद में कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ साथ में ही। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर ये देखिए राउटर डिफ़ॉल्ट गेटवे, यानी कि क्लाइंट अगर इंटरनेट एड्रेस या दूसरे नेटवर्क के कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहता है तो क्लाइंट को डिफ़ॉल्ट गेटवे भी चाहिए। तो आप अगर स्टैटिकली उसको डिफ़ॉल्ट गेटवे दे नहीं पाओगे, यहाँ पर आप उस राउटर या डिफ़ॉल्ट गेटवे का आईपी एड्रेस यहाँ पर अगर स्पेसिफाई कर देते हो तो होगा क्या, क्लाइंट को राउटर का आईपी एड्रेस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पर मैं राउटर का आईपी एड्रेस दे देता हूँ 0.2। देन नेक्स्ट करते हैं, मान लिया मेरा जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो 0.2 है। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर आप डोमेन नेम, पेरेंट डोमेन नेम, यानी अगर डीएनएस का आईपी एड्रेस देना है तो वो भी दे सकते हो, और पेरेंट डोमेन नेम मेरे केस में ideas4victory.com है। यहाँ पर सर्वर नेम सर्वर है और आईपी एड्रेस है ये। नेक्स्ट ऐड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर विंस हमारे पास कोई नहीं है इसलिए इसको ब्लैंक रखेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। देन ये पूछ रहा है यस आई वांट टू एक्टिवेट दिस स्कोप, यस करेंगे, फिनिश करेंगे, तो स्कोप जो है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। अगर ये स्कोप एक्टिवेट नहीं होता है, अगर ये स्कोप एक्टिवेट नहीं होता है, जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको डीएक्टिवेट करके, तो यहाँ पर ग्रीन कलर का एरो बिलो एरो शो करेगा।
तो इसको आपको स्कोप को एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के लिए आपको स्कोप पे राइट क्लिक करना होगा, राइट क्लिक ऑन द स्कोप एंड क्लिक एक्टिवेट। एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो ये स्कोप आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये जो आपने अभी तक कॉन्फ़िगरेशन देखी, ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन DHCP सर्वर की थी, जिसमें आपने देख लिया कि DHCP सर्वर कैसे बनाया जाता है। तो अभी क्या है कि DHCP सर्वर जो पूरी तरीके से बन चुका है, यहाँ आप एड्रेस पूल पे देखेंगे कि कहाँ से स्टार्ट IP और एंड IP क्या है, और ये एक्सक्लूजन रेंज है, ये ऊपर वाली एक्सक्लूजन रेंज है, और ये नीचे वाली डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है, ये लीज पीरियड, यहाँ एड्रेस लीजेस, ये वो लिस्ट आएगी यहाँ पे जिन जिन को ये IP एड्रेस असाइन करेगा। चलिए एक बार एक क्लाइंट पे चेक करके देखते हैं, एक क्लाइंट को ऑटोमेटिक पे सेट करते हैं। यहाँ दूसरा मेरा क्लाइंट है, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ DHCP सर्वर से, इसको ऑटोमेटिक IP के लिए सेट करेंगे। देखते हैं ये हमारा क्लाइंट IP एड्रेस DHCP सर्वर से ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो ये हमारा क्लाइंट है, इस क्लाइंट के लैन कार्ड की प्रॉपर्टी पे जाने के लिए नेटवर्क पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं चेंज अडाप्टर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, ये लैन कार्ड का प्रॉपर्टी पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे प्रॉपर्टी, यहाँ पे TCP/IP सेटिंग्स की प्रॉपर्टी पे जाएंगे, ये ऑप्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली टिक करेंगे। ये टिक करने पे ये क्लाइंट IP एड्रेस DHCP सर्वर से डिमांड करेगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने इसको ऑटोमेटिक क्लिक किया, यहाँ पर इसका जो नेम था नेटवर्क नेम ideasforvictory.com हो गया, जो कि DHCP सर्वर का डोमेन नेम है। डबल क्लिक करके डिटेल्स पे चेक करते हैं, IP एड्रेस देखिए 6 से स्टार्ट होके मिला है, और देख सकते हैं ये 8 डेज का है, 20 अगस्त से स्टार्ट है 28 अगस्त को। डिफ़ॉल्ट गेटवे जो एड्रेस मैंने दिया था वो दिया है, DHCP सर्वर का IP एड्रेस क्या है, और DNS का जो IP एड्रेस दिया था वो। तो इस तरीके से देखा आपने कि IP एड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करता है DHCP सर्वर, ये देखा आज इस सेशन में। सो थैंक यू फॉर विजिटिंग माई ब्लॉग।